दोस्तों, आज मैं यूजा पढ़ाने वाला हूँ, यूज ऑफ कैन कुड में। या दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलो देख लेते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं कैन। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैन का प्रयोग देख लेते हैं हम लोग। कैन का प्रयोग यहाँ पे देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में योग्यता योग्यता और क्षमता अनुमति 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 के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल जैसे है, रूल इसका वही रहेगा, स्ट्रक्चर उसी बनेगी। इसे स्ट्रक्चर लिख लीजिए यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितने यूज आप होते हैं फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। चलो इसका वो उदाहरण देख लेते हैं। एक, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे दे रहा कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड हिंदी, तो क्या बनेगा, आई कैन पढ़ना, रीड हिंदी, ये बन गया। चलो अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, कुड़ का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कुड़ का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। कुड़ का प्रयोग पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में योग्यता क्षमता और अनुमति, योग्यता योग्यता क्षमता और अनुमति, योग्यता क्षमता और अनुमति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रेजेंट में करते हैं, योग्यता क्षमता और अनुमति के लिए। कैन का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट में करते हैं, योग्यता क्षमता और अनुमति के लिए। चलो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम यही होगी, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर कुड कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता था। तुम्हारा भाई तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता था। चलो इसे देख लेते हैं, वो निगेटिव हो जाए से कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं आता। चलो उसको देख लेते हैं, योर ब्रदर, योर ब्रदर कुड, योर ब्रदर कुड देना, गिव फर्स्ट फॉर्म गिव, इसे तुम्हें यू गिव यू, क्या नहीं दे सकता था, 10 रुपये मतलब 10 रुपीस, ये बन गया। अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, अब यहाँ पे नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कुड के बाद में यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे, और नहीं होता, नहीं होता तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहते, नहीं दिया है तो यहाँ पे कुड के बाद नॉट लगा देंगे, बस हो गया। चलो अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, यूज ऑफ क्या था, मे, यूज ऑफ मे देख लेते हैं, ये क्या है। इसका प्रयोग संभावना, नम्र नम्रतापूर्वक निवेदन मांगना, निवेदन करना, वही
संभावना, नम्रता पूर्वक निवेदन मांगना, निवेदन करना, मांगना करना बात है कि उद्देश्य और आशीर्वाद। उद्देश्य और आशीर्वाद, उद्देश्य और आशीर्वाद, इसका प्रयोग संभावना, नम्रतापूर्वक निवेदन करना, उद्देश्य और आशीर्वाद के लिए करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बस वही सेम स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इधर। सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आज वर्षा हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है, तो इसे बनाते हैं। कौन हो सकता है, वर्षा रैन में बिगेन होना आज टुडे। ये दोस्तों बन गया। ये दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलो